भाई साहब खतरनाक साउंड है। हेलो दोस्तों, टेक्निकल आर्मी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम टोयोटा सुप्रा ड्रिफ्ट मशीन कार का मॉड इंस्टॉल करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करें। चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस कार मॉड को इंस्टॉल करने के लिए आपको सिर्फ OpenAV की ज़रूरत होगी। उसका इंस्टॉलेशन का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। OpenAV को इंस्टॉल कर लीजिए। OpenAV को इंस्टॉल करने के बाद इस कार मॉड को डाउनलोड कर लीजिए। इसका डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस कार मोड को डाउनलोड करने के बाद आपको इसे दिखाई देगा। इसको चेक कीजिए। एक्सट्रैक करने के बाद एक फोल्डर आएगा, उसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद और एक फोल्डर आएगा, उसको भी ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद ऐड ऑन में जाइए। उसके बाद GTFI मेन फोल्डर को ओपन कीजिए। GTFI मेन फोल्डर को ओपन करने के बाद मॉड्स का फोल्डर दिख रहा है ना, उसको ओपन कीजिए। अगर आपके पास मॉड्स का फोल्डर नहीं है तो क्रिएट कीजिए। मॉड्स के फोल्डर को क्रिएट करने के बाद इस अपडेट फोल्डर को कॉपी कीजिए। कॉपी करने के बाद मॉड्स के फोल्डर में पेस्ट कीजिए। मॉड्स के फोल्डर को क्रिएट करने के बाद इस मॉड फोल्डर को ओपन कीजिए। उसके बाद अपडेट में जाइए। उसके बाद SCC4 DLC पैक्स, उसके बाद यहाँ आपको एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना होगा। इस फोल्डर का नेम आपको टाइप करना होगा CASUP। CASUP के एक फोल्डर को क्रिएट कीजिए। इस फोल्डर को क्रिएट करने के बाद एक्स्ट्रा किया वो फोल्डर पर आ जाइए। आने के बाद यहाँ DLC.RPF के एक RPF की फाइल मिल जाएगी। इस RPF की फाइल को अभी क्रिएट किए सो फोल्डर में ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद GTFI मेन फोल्डर को क्लोज कीजिए। उसके बाद OpenAV को ओपन कीजिए। OpenAV ओपन होने के बाद एडिट मोड पे क्लिक कीजिए। यस, उसके बाद मॉड्स में जाइए। उसके बाद अपडेट .RPF कॉमन डाटा, उसके बाद नीचे जाइए। नीचे आने बाद यहाँ DLC लिस्ट XML का एक टिक रहना है, इसको राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद एडिट में जाइए। एडिट में जाने के बाद नीचे जाइए। नीचे आने बाद कौनसी बैक लाइन को कॉपी कीजिए। कौनसी बैक लाइन को कॉपी करने के बाद उस लाइन को लास्ट में पेस्ट कीजिए। उस लाइन को लास्ट में पेस्ट करने के बाद इतना कट कीजिए। इतना कट करने के बाद यहाँ आपको टाइप करना होगा CASUP। CASUP टाइप करने के बाद सेव कीजिए। तो दोस्तों हमारा इंस्टॉलेशन हो चुका है, डन। चलो अब GTFI ओपन करते हैं। तो दोस्तों GTFI ओपन करने के बाद आप कौन से भी ट्रेनर से इस कार को स्पॉन कर सकते हो। यहाँ आपको इस कार का मॉडल है, मैं आपको मैन्युअली टाइप करना होगा CASUP। इतना टाइप करने के बाद एंटर कीजिए। तो दोस्तों हम देख सकते हो टोयोटा सुप्रा कार आ गई है। हम देख सकते हो इस कार का इंटीरियर। सुप्रा की बैजिंग, चलो अब हम इस कार को ले लेते हैं।
चलो अब मैं इस कार के व्हील्स को चेंज कर देता हूँ। तो दोस्तों हम देख सकते हो मैंने इस कार के व्हील्स को चेंज कर दिया है। अब ये कार और भी खतरनाक लग रही है। चलो मैं इस कार का साउंड फिर से सुना देता हूँ। यहाँ हम देख सकते हो कार स्टार्ट हो गई है। यह है इस कार का इंटीरियर। अब मैं आपको इस कार का साउंड सुनाता हूँ। ओ भाई साहब, खतरनाक साउंड है। ओ भाई साहब, चलो मैं इस कार के सब डोर्स को ओपन कर देता हूँ। चलो अब हम इस कार का नेट का लुक देख लेते हैं। ये हम देख सकते हो इस कार का नेट का लुक, इसके हेडलाइट्स, इसके डीआरएल सब देख सकते हो, इसके इंडिकेटर्स। ऐसा खतरनाक कार है ये तो। देख रहे हो ड्रिफ्ट मशीन।
270 इसकी टॉप स्पीड है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।